नल जल की व्यवस्था यहाँ की गई है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है। सहायक सचिव जो कि यहाँ अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं, वो करने ही नहीं देते हैं। 32 लाख के लगभग के काम ऐसे थे जो कि रास निकाल ली गई लेकिन कार नहीं हुई। कोई बीमार हो जाए तो डोला खटोला में मौत हो जाती, रास्ता रोड नहीं आए, कहाँ उसे ना ये कैसे ये समस्या है। पानी की समस्या है, जौन राशि अब यहाँ अगले साल सगले नाली और खड़ंजा निकले के कहाँ स्थान नहीं चली, बाग के देखी निकल जाई तो 2-3 पंचवर्षी से तो लगातार शिवराज सिन्हा पे समाज में कौनो लाभ नहीं आए। रास्ता चाहिए, पानी चाहिए तो कह दे था कि होई, और जब वोट पड़ गए तो काम निकल गया, फिर कई को फिर के मुतता ही नहीं। यहाँ 274 आवास कार्ड दिए गए सांसदी के गौतम जी है, उन्हीं की दबाव होगा तब ये कूदते हैं जो करना है कर लो। सांसदी ऐसे ही बोलते हैं जो करना है कर लो। लाड़ी बहनी जो ना आई है तो आधे का मिलत है आधे का नहीं मिला ऐसा है पैसा। अच्छा। ये बताइए कौन नियम है ये मेहरिये महिला जौन है तो गर्भवती है तो डोला खटोला रघुनाथ गंजा नहीं गई जा कहीं अपना कह कहीं चले जा। मौतें हो चुकी हैं यहाँ। हाँ मौत ही है साहब, कहाँ जंगल पहाड़ में बरूक दे देते इनकर पट्टे ही जमीन ले लेते जौन हो आज तो सरकारी। अच्छा ये बताइए शिवराज सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि हम हर गरीब को हम एक भूमि का पट्टा देंगे। हाँ किसी को मिला आज तक नहीं मिला, लाई गए इंतकाब सब के लिखा है लिखा है अधाई लीनी थक की आज के सब के फोटो कापी लेके लग गए है अपना लेटरिन बनी है कागज में कोई घर में नहीं बनी। क्या बोल रहे हैं राष्ट्रपति पुरस्कृत पंचायत है, प्रतिभा पाटिल जी जब थी। अच्छा तब ये पुरस्कृत हुई थी निर्मल ग्राम पंचायत। अभी मैं रीवा जिले के अधीनस्थ में बात करूं, मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष के ही विधानसभा क्षेत्र में बात करूं, ग्रीष्म गौतम का ये क्षेत्र है और ग्रीष्म गौतम के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है और जनता क्या कहना चाहती है, तो जनता की बात में आपका सभी साथियों का स्वागत करता हूं। यहां सबसे पहले मैं यहां जो तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, शायद मध्य प्रदेश से ऐसी पहली तस्वीर होगी जहां पर विकास के नाम पर विनाश कराया जा रहा है। यानी मैं कहूं तो विकास के नाम पर तो फाइलें दौड़ रही हैं लेकिन किस तरीके से विनाश किया जा रहा है उस फंड का, जिस फंड से लगभग कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को एक योजनाओं के अंदर लाभान्वित होते, शायद ये जो भूमि है यानी पृथ्वी है शायद इसको कहीं सिंचित करने का प्रयास होता लेकिन किस तरीके से विनाश हो रहा है, उस तस्वीर को दिखाने से पहले मैं यहाँ पे कुछ जो स्थानीय है इनसे मैं बात करने का प्रयास करता हूँ। भैया क्या नाम है आपका? हमारा रामनाथ साकेत। ये कौन सा गाँव है? ये ग्राम उमरिया। अच्छा विधानसभा कौन सा लगता है आपका? देवतलाव। तो ये ग्रीष्म गौतम जी को आप जानते हैं? हाँ जानते कभी हैं। उनका यहाँ आना जाना होता है? वोट के समय में आते हैं। भैया एक मामला एक बड़ा ट्रेंडिंग रहा है आपके यहाँ, एक तालाब का जो पकड़ रहा है जी, कुछ लोगों का कहना था कि ये लगभग 4 लाख से ऊपर की राशि निकाली गई, काम नहीं हुआ, इसमें क्या सत्यता है? इसमें सत्यता तो दिख रही है, चारा नहीं छोला गया इसका। ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं जो दिन चले गए सर। क्या नाम है आपका? रावण साकेत। तो मैं चाहूंगा थोड़ा इधर तस्वीरें दिखाने का प्रयास करिएगा, ये वही तालाब है। ट्रैक्टर लेके आए थे सर, ज्यादा विवादित कहीं कहीं से एक कारण बन गया है और यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि यह ट्रैक्टर से कार्य कराया गया है, जेसीबी से कार्य कराया गया है, मनुष्य से हम बच्चे मजदूर आदमी से काम नहीं कराएं, ट्रैक्टर लेके घंटा में जोत के ऊपर चढ़ा दिन चले गए सर। तो भैया यहाँ पर गहरीकरण पहले नहीं, पहले नहीं, हर सरपंच होगा वही करता है, जोता देगा पैसा निकाल लेगा हो गया। अच्छा कोई भी हम जब से बचपन से हम देख रहे हैं कोई भी सरपंच होगा सर यही करवाता है। अच्छा सरपंच कौन है पता है भैया? ये थोड़ा सा हटा दीजिएगा। सरपंच है विश्वकर्मा जी है हमारे उमरिया के, और ये जो सचिव और सेक्रेटरी ये सब लोग कौन है? एस पटेल जी है, नारायण पटेल जी है, अभिजेश तिवारी है। तो क्या इसकी शिकायत कभी आप लोगों ने सीएम? हम लोग हर शिकायत करते हैं, शिकायत हम लोग की सुनी नहीं जाती है सर जी, वहाँ जाके कटवा देते हैं गिरीश गौतम जी से, क्योंकि वही है, वही सब लोग हैं ब्राह्मण पक्षी लेते। अच्छा, हैं चाचा हम लोग के नहीं लेते। क्या नाम है आपका? रामलाल। तो यहाँ पर लगभग कितनी उम्र आपकी हो गई होगी? 70 साल की। यहाँ पर कभी आपके जो क्षेत्र के जिनको आप वोट देते हैं कभी उनका यहाँ आगमन होता है? नहीं होता, यहाँ वहाँ होता है गाँव में, इधर नहीं आते हैं, उसे चले गए। तो वोट किसको देंगे भैया? थोड़ा साइड हो जाएगा, वोट देखेंगे जी, क्या फिर आएगा तो फिर देखेंगे। जिनको आप वोट दिए थे वो लोग आए थे यहाँ? क्यों नहीं आया? कोई नहीं आया, नहीं आया कोई। तो ये बताइए इतने बरसों के कहीं न कहीं से जो कार्यकाल रहा है इन लोग का, तो विकास क्या क्या देखने को मिला आपके गांव में? विकास कुछ नहीं आई है। ये तालाब का प्रण क्या है? तालाब का प्रण छोड़ के चले गए हो, अब कौन पे करा? मजदूर से काम कराया गया था? नहीं, केवल मशीनीकरण से, मशीन से। तो जरा सोचिए जिस साक्षरता दर की बात होती है, अगर रोजगार के दर पर मध्य प्रदेश में 95% बताया जाता है शिवराज सिंह के कागजों में, यहाँ पर ग्रामीणों में रोजगार दिया जाता है लेकिन किस तरीके से रोजगार में लिपापोती होती है यहाँ शायद इन ग्रामीणों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। बाकी यहाँ पर और कई लोग हैं, मैं इन लोगों से भी बात करने का प्रयास करता हूँ। आप इसी गाँव के हैं?
यहाँ जो विकास के लगातार जो दावे किए जाते हैं मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा, क्या विकास यहाँ पर आपके गांव के लिए मिलते? विकास हमारे यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। विकास इसी प्रकार है जैसे यहाँ 6 लाख रुपए बताए कि 6 लाख निकल गया। आज हम फोन लगाए थे इंजीनियर शर्मा जी को कि तालाब का मूल्यांकन मत करना। हाँ, तो कहेंगे नहीं किए हैं, वो कर चुके हैं, वो कहेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, इसके पहले भी बोले। यहाँ से कितनी दूरी आपका घर है? हमारा घर 1 किलोमीटर है वहाँ स्कूल के पास। तो यहाँ पर पानी वानी क्या व्यवस्था? अगर पानी की व्यवस्था नहीं है, नल जल की व्यवस्था यहाँ की गई है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है, 25% पा रहे हैं, बाकी सब बंद है। और सड़कों के लिए क्या है? सड़कों के लिए अभी यहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं आई है यहाँ का 1 किलोमीटर। तो चलिए तस्वीरें हैं, बाकी जिस तरीके से कहा जाता है कि पानी के लिए भी व्यवस्थाएं लगभग पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, लेकिन कार्य तो हुआ, लेकिन शायद बूंद बूंद के लिए पानी के लिए तरसना पड़ रही है, स्थितियाँ हैं। बाकी और कुछ लोग हैं, क्या नाम है आपका? व्यंकटेश कुमार तिवारी। क्या समस्या इस गाँव को लेकर के रही है जिससे शायद आप ज़्यादा आक्रोशित थे? सर, ये हमारे यहाँ जो उमरिया ग्राम पंचायत में लगभग मैं 21 वर्ष का हो रहा हूँ, और मेरे जानकारी के हिसाब से जब से हुआ हूँ तब से ये तालाब में गहरीकरण होता रहा है। अच्छा, पर मैं इस बार देखा हूँ तो लगभग 6,94,000 का इसका TS था जो कि मनरेगा के तहत था जी, 2,60,000 का मटेरियल का इसमें रस था, और 6,34,000 रुपये मजदूरों का था, जिसमें 4,13,000 के करीब निकाला जा चुका है इसमें, जबकि केवल 50 घंटे जानकारी मिली है कि 50 घंटे केवल JCB चली है, 18-20 घंटे ट्रैक्टर। अच्छा, तो दोनों का अगर हिसाब जोड़ा जाए तो अधिकतम 80-90 हज़ार के करीब पड़ता है। और मजदूरों से कितना काम कराया गया था? मजदूरों से केवल उस साइड जो पेड़ हैं वो लिप्टिस के थे और बांसों के थे तो उनको कटवाए थे, और इसी तरह के जो झाड़ थी तो हटवाए। जो आपका जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में कितना और कुछ क्या विकास देखने को मिला है जहाँ कहीं कहीं से सचिव और सरपंचों के माध्यम से जनहित के कार्य किए गए हैं? नहीं, इसमें तो जहाँ तक है हमारे जो सरपंच हैं वो विकास वर्तमान पंचवर्षीय में जो है तो अधिकतर सरपंच जो नियुक्त निर्वाचित हुए हैं वो लोग क्या है कि जो नए सरपंच निर्वाचित हुए हैं वो चाहते तो हैं विकास, पर जो यहाँ अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं सचिव या रोजगार सहायक सचिव को हैं, सचिवों का तो ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन रोजगार सहायक सचिव जो कि यहाँ अंगद की तरह पांव जमाए बैठे हैं वो करने ही नहीं देते हैं। इसमें शुरू में केवल जब लगभग 7-8 घंटे JCB चली होगी तभी हमारी GRS महोदय आए, बोले कि बस इतना ही रहने दो, लेकिन हो गया सरपंच और सचिव में थोड़ा दबाव हुआ, तब थोड़ा 40-50 घंटे चली, फिर मैं यहीं पास में बैठा था, दोपहर का टाइम था, वो आए GRS महोदय, JCB वालों को पैसा दिए 5,000 के करीब, और उनसे बोले कि 6 लाख रुपए था लेकिन उसमें 3.5 लाख रुपए लेप्स हो गया है, इसमें मेरा 2 लाख रुपए लग गया है, अब नहीं बचा है पैसा मटेरियल का है, तो मटेरियल का मैं मटेरियल होगा कुछ इसकी जानकारी दी नहीं, नहीं इसकी जानकारी कोई नहीं दी। वरिष्ठ अधिकारियों तक आप लोगों के माध्यम से कोई दी, कुछ दी गई नहीं दी गई? मेरे द्वारा पूर्व में पिछली पंचवर्षीय में जो भ्रष्टाचार हुए थे लगभग 32 लाख के करीब के भ्रष्टाचार मैंने देखा था, PRD पोर्टल से और नरेगा से निकाला था जानकारी, तो उसमें 32 लाख के लगभग के काम ऐसे थे जो कि राशि निकाल ली गई लेकिन कार्य नहीं हुए, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा मेल में की गई थी CM को, और उसमें जब मैं शिकायत किया तो कुछ लोगों को GRS के द्वारा फर्जी जानकारी भी दी गई कि तुम्हारे आवास के खिलाफ शिकायत की हैं ऐसा वैसा, साथ ही मेरे मुझे मारने की भी धमकी दिए और गाली गलौज भी किए, साथ ही अन्य लोग जो करते हैं कोई 181 कर दिया हमारे यहाँ, तो सरपंच से ज़्यादा यहाँ सहायक सचिव व अन्य लोग ज़्यादा दबाव डालते हैं। तो चलिए देखिए, विकास की गति बढ़ाने के लिए जब भी ग्रामीण अगर सोचते हैं कि हम कहीं ना कहीं से इसमें हाथ बटा दें तो साथ हो सकता है विकास की गति बढ़े, लेकिन वही विकास की गति पर आवाज़ उठाने वाले के लिए किस तरीके से धमकियाँ दी जाती है। बाकी यहाँ पर और कई लोग हैं, इन लोगों से भी पूछने का प्रयास करता हूँ। भैया तम्बाकू मल्ला अगर आप बंद कर दिए थोड़ा, मैं दोस्तों से पूछ लेता ये। हाँ, और एक बात, मेरे द्वारा RTI लगाई गई, RTI का भी इनके द्वारा जवाब नहीं दिया गया, लगभग 3 RTI मेरे द्वारा लगाई गई है, 1-6 जुलाई को मनरेगा की सूची के लिए RTI लगाया था, उसके लिए भी बहुत नाराज हुए लेकिन उसकी भी जानकारी नहीं दिए हैं, और 2 RTI और लगाई थी BPL सूची के लिए, और 1 RTI
लेकिन आरटीआई का भी जवाब यहाँ नहीं दिया जाता। तो चलिए ये कहने की तस्वीरें हैं, बाकी और कुछ लोगों की जनता की बात में पूछने का प्रयास करता हूँ। कहाँ बोल रहे हैं चाचा आप, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नाम है आपका? हमारे शेरी शाह के। क्या समस्या है आपको? समस्या यहाँ सर ऐसा है कि कोई बीमार हो जाए तो डोले खटोला में मौत हो जाती, रास्ता रोड नहीं आए, कहाँ उसे ना ये कैसे ना ये कैसे, ये समस्या है। पानी की समस्या है, जौन राशि अब यहाँ अगले साल सगले नाली और खड़ंजा निकले के कहाँ स्थान नहीं चली, बाग के देखी निकल जाये तो कहीं। तो ये बताइए ऐसे लोग का वोट क्यों देते हैं फिर? ऐसे लोगों का अगले साल एक जने हरजन रहे तो 8 बरिस सरपंची कीन तो चमचे के बल पर सरपंची यहाँ रहते तो चमचा खा लीन और वो तो मेहरारुआ मर गए उनकर महरारू रही था यही चलते रिकवरी जब गिरी। यहाँ कौन विधायक आपको पता है? विधायक हैं गिरीश गौतम जी, विधानसभा अध्यक्ष भी पता है इस बार, ये बात पता है? कभी आते हैं यहाँ? यहाँ कब नहीं आमा। तो वोट दिए थे आप उनको? वोट दे रहे पहले, इस बार क्या करेंगे? इस बार नहीं देंगे। किसको फिर देंगे? इस बार देंगे जिसके समझ है वही के देव। क्या करेंगे भैया आप, क्या करेंगे आप? विकास की धारा देख रहे हैं, विकास धारा को लेकर क्या बोलेंगे? विकास की धारा में काम नहीं हुआ तो उसका जांच होना चाहिए, उसका सब कुछ होना चाहिए। पैसा आया तो उसका यूज में लेना चाहिए, खाना नहीं चाहिए। दोषी किसको मानते हैं? दोषी अब हम किसको बताएं? सरपंच हो जाता है, सरपंच दूसरे के बल पर चलता है, तो अब किसको दोषी बताएं? तो चलिए बाकी कुछ लोग और हैं। भैया क्या नाम है आपका? संजय साकेत। क्या विकास में क्या कमियां हैं जो सुधार योग्य हो? विकास में हमारे ये कहने का मतलब कि हमको रोड हो जाए और जो है तो आवास सब लोगों को आवास मिल जाए। बस्ती है कितने वर्षों की होगी ये? अब सियाल लोग जो बताते हैं वही जान रहे हैं, 50-60 वर्ष आज तक ऐसा पहल कोई नहीं किया, ऐसा ही चला आ रहा है और चला गया। कही थे कि वोट तो देव ठीक है पे हमको 5 का रास्ता चाहिए, पानी चाहिए, तो कह दे था कि होई और जब वोट पर गए तो काम निकलेगा, फिर कई को फिर के मुतता ही नहीं आई। शिवराज सिंह चौहान जी को लेकर क्या बोलेंगे? या लगभग आप लोग के लिए कई योजनाएं देते हैं, कई तरह की कहने से फायदेमंद बहुत सारी चीजें धरातली। अब क्या बताए, आज 2-3 पंचवर्षीय से तो लगातार शिवराज सिन्हा पे समाज में कौनो लाभ नहीं आ रहा। हाँ ना एक आवास मिला, बेहीन हाँ थोड़ा आगे गल्ला बहुत आदमी का गल्ला कटा है, गल्ला नहीं मिला है। और गल्ला नहीं मिल रहा। हाँ आप क्या बोल रही हैं? हम यहाँ बोल रहे हैं कि हम अनाथन, हमारे प्रिंसिपल साहब नहीं बन पाई, सरपंच सेक्रेटरी कागज ला रही, नौका पता नहीं कहाँ दे दी। हाँ और पानी वानी क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था नहीं है। लाडली बहना योजना मिलता है पैसा? कुछ नहीं, कुछ नहीं मिलता। पैसा मिलती है अम्मा? हाँ पैसा मिला था 600। तो संतुष्ट है उससे ना? हाँ। कमी क्या है? कमी बहुत ही, अपना तो झूरे में बैठे ना, पचे तने तने कहाँ तक मुँह में नहीं गिल्ला है। अच्छा यहाँ किस किस तरह के लोग यहाँ रहते हैं, यानी कौन सी जाति? बिता रहे हैं, हरजन है, साकेत आदिवासी है, साहू है और कुहार, प्रजापति, चार यानी अनुसूचित जाति जनजाति। तो चलिए देखिए मध्य प्रदेश की तस्वीरें हैं जिनको लेकर के लगभग मध्य प्रदेश सरकार लगातार कई तरह की योजनाएं लॉन्च करती है, लगभग भूमिगत यानी धरातल स्थितियों पर लागू करने का प्रयास करती है, लेकिन किस तरीके से ऊपर ऊपर ही यानी रिकार्डों के आधार पर ही चलता आ रहा है। और भ्रष्टाचार के शिकार ये गाँव और गंगे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी का क्षेत्र। बाकी इसके अलावा जो स्थितियाँ हैं यहाँ तो न सड़क की व्यवस्था न पानी की व्यवस्था, अगर जो भी है भी तो विकास के नाम पर केवल विनाश है। प्रत्येक पंचवर्षीय जिस तरीके से इन लोग आरोप है, प्रत्येक पंचवर्षीय केवल यही एक तालाब है जिस तालाब को लेकर के लगातार विवादों का ये घर बना हुआ है। अगर मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा जहाँ मैं खड़ा हूँ, मैं चाहूँगा इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। देखिए जहाँ मैं खड़ा हूँ ये भीट है और भीट के बीच में किस तरीके से मिट्टी का अंबार लग गया है और यहाँ जिस तरीके से कहा जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा बताया गया। भैया लगभग यहाँ पर आप मॉनिटरिंग कर रहे थे जब जेसीबी चल रही थी? हाँ मैं कर रहा था। 19 घंटे ट्रैक्टर चला हुआ है और जेसीबी ऐसी चली 50। तो ये बताइए सबसे पहले बताइए ये जो तालाब है, ये तालाब में कभी मिट्टी वगैरह कहीं बाहर ले जाया गया रहा हो, ऐसा कुछ देखने को मिला था? नहीं गया, जो थोड़ा बहुत गया था सड़क में गया है, जो 5 साल पहले सड़क में गया है। तो चलिए ये भी कहीं ना कहीं से बड़ा रास्ता है, जवान भी गया है मिट्टी, यहाँ से मिट्टी ले जाया जाता है सड़कों के लिए और उसी शासन फंड से उस सड़क का निर्माण कराया जाता है और पैसा निकाला जाता है और जब वही तालाब जब गहरीकरण हो जाता है तो कहीं जीर्णोद्धार के नाम पर पैसा कहीं ऐंठ लिया जाता है। और जीर्णोद्धार किस तरीके से हुआ है
ये ताजा उदाहरण दे सकते हैं, अंदर जो पानी है पानी में ही किस तरीके से अभी घास है उससे आप अंदाजा ला सकते हैं कितनी गहरा ये कहीं ना कहीं से तालाब होगा। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जिस तरीके से मेड़ बंधान की योजनाएं होती हैं गाँव में, वही मेड़ बंधान की योजना यहाँ पर डाल दी गई और एक मोटी रकम निकाल ली गई है। जी क्या बोल रहे हैं, मिट्टी वहाँ दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें कभी जब मशीनीकरण से काम हुआ तो रोकने टोकने का कार्य आप लोग नहीं किए थे? हम तो नहीं थे। अच्छा, हम रीवा में थे। तो ये बताइए कि ओके नहीं सर कराने के लिए बोले कराएंगे, काम आप कर रहे थे, पैसे मिले? नहीं, मेरे को मजदूरी नहीं मिली। ये बताइए जिस तरीके से 71 लोग का जो लिस्ट है जी, उसमें से कई लोग का नाम है जी, वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब गांव के हैं, उधर के लखन खुरहान के हैं और अहिरान के हैं और अटरा के हैं। हमारे प्लाट के में 4-6 लोगों का है नाम, बकाया किसी का नाम नहीं है। ये बताइए इन लोगों को पैसा भेजा गया था? हाँ, खाते में पैसा मैं देखा हुआ है। पैसा इन लोगों को कैसे मिल जाता है? अब वो लोग 60-80 में है तो आधा तिहा लेते होंगे दबी में। हाँ, हमें तो मालूम नहीं सर, लेकिन मेरा मजदूरी नहीं दिया गया, मैं काम किया हूँ। यहाँ जो पेड़ पौधे थे उसका कटवाई कराया, सफाई साथ में थे, मैं काम 1 बजे रात तक में जब सीवी चलती थी मैं रहता था यहाँ है। और यहाँ 274 आवास काट दिए गए सांस के डिग द्वारा, 274 हाँ 274 कट गया है और किसी का आवास नहीं। आप देखिए इधर पूरा प्लाट देखिए है किसी को। अच्छा भैया, तो क्या ये वर्तमान स्थितियों में जिस तरीके से आपने शिकायत भी की, उसका क्या निराकरण मिला है? अभी तक कोई विशेष शिकायत की जानकारी नहीं मिली, निराकरण नहीं हुआ है और राजनीतिक दबाव के कारण शिकायत दबा दी गई है। किसकी राजनीति, कौन कौन किन कौन से आकर कहाँ थे, इस तरीके से कुछ नाम बताना? इसका अभी विशेष नहीं पता चला है। इसमें थोड़ा ये है कि आशंका ये है कि सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं के दबाव के कारण। दबाव सर है, किसकी है? गिरीश गौतम जी हैं, उन्हीं की दबाव होगा तब ये कूदते हैं, जो करना है कर लो। सांस सिक्योरिटी ऐसे ही बोलते हैं, जो करना है कर लो जाकर। हाँ ऐसे ही बोलते हैं। इस बार क्या करेंगे हम, देखिए सत्ता परिवर्तन रहेगा, सत्ता यही रहेगा। हमारा पाता पर्ची बनी, मैं शिकायत किया तब बना, इसके पहले कई बार दिए सांस सिक्योरिटी को नहीं बनाए, बच्चों का नाम जुड़वा आईडी में, तब शिकायत किए तब बना। अभी पैसे के लिए भी बोले जो करना है कर लो जाके, नहीं मिलेगा ऐसे बोल रहे हैं। तो चलिए, ये रही जनता की बात। जनता की बात में आप लगभग पूरी तरह से रूबरू सुने किस तरीके से मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष का क्षेत्र, यानी कहूँ तो ये गिरीश गौतम जी का क्षेत्र है, देवतला विधानसभा। क्या नाम है चाचा आपका? राजभान नाम है। आवास वगैरह कुछ मिला है? हाँ मिला रहा, तो 2 किस्ती मिला है साहब, अब बाकी नहीं मिला यार। मजदूरी? मजदूरी नहीं आई यार, एक भी, एक कब नहीं आई। कब आवास कब मिला था ये पर? 1 साल हो गया। हाँ 1 साल, अभी पूरा नहीं बना। अब पूरा राशि मिली आपको? हमका मिला है साहब 2 किस्ती मिली है। यानी कितने रुपए? अब हाँ 65 मिला है, 65,000। हाँ बाकी और पूरे बस्ती में कितने लोग आवास है? सबके है साहब आवास। हाँ सबके, हाँ जी सबके है। शिवराज चौहान कहीं सबके कौटे मड़ाई न रही, आज तक नहीं बना है साहब कौटे। और रोड का कह रहे हैं, कट रोड नहीं मिला। मंदिर का कह रहे हैं तो मंदिर के पिलर भर करा दी नहीं, और पिलरा नहीं, रोड का कह रहे हैं तो रोड नहीं बनी साहेब। और मजदूरन का पेंसिल 60-70 बरिसन के और इनके लिखा दी नहीं। ये बिचारी जौनी है खड़ी है, ये जाती हैं तो पैसा नहीं देता है, कहा था तो और पैसा नहीं है साहेब, ये मैं बता था पेंशन। हाँ पेंशन, लाड़ीली बहनी जौन आई है तो आधे का मिला था, आधे का नहीं मिला ऐसा है पैसा। अच्छा ये बताइए कौन नियम है ये? तो इस बार क्या करेंगे, शिवराज सिंह चौहान को पुनः लाएंगे? हम ना देंगे कब वोट, कोई नहीं देंगे प्लाट में। अच्छा। कोई प्लाट के नहीं देंगे। हाँ रास्ता के वंचित करे हम, और आए रहे लोकसभा में यही स्कूल में उमरिया में, अब कही दे नहीं हम बिता देने, अब हम जौन हो जे का देखो दे जाइए वहाँ कह के दिए। हाँ साहब अतब के सब पब्लिक दीनी वोटो नहीं का मामा मामा कह के, और नहीं का दई दीनी दवाई नहीं हमारे यहीं गाँव के। हाँ अब मेरी ये सब मजदूरी करे जाती हैं, आई ही साहब दिन भर काम करी और शाम के कह दही चले जाओ ही प्लाट हम, यह मेरे के नियम है साहब। अच्छा हाँ जी, और रास्ता कई साल से नहीं दे लगाए, हमारे गाँव में स्कूल के आवेदन दी सब चीज का दी, लेकिन याद तक स्कूल नहीं बनी है कठे, और ना डॉक्टरी मेहरिये महिला जौन है ते गर्भवती हैं तो डोला खटोला रघुनाथ गंजा नहीं गई जा, एह कहीं अपना कह कहीं चले जा। मौतें हो चुकी है यहाँ। हाँ मौत ही है साहब, कहाँ जंगल पहाड़ में बरुक दे देते इनकर पट्टी जमीन ले लेते जौन हो, और आज तो सरकारी। अच्छा ये बताइए, शिवराज सिंह चौहान द्वारा बताया गया कि हम हर गरीब को हम एक भूमि का पट्टा देंगे, हाँ किसी को मिला? आज तक नहीं मिला, लाई गए इंतकाब सबके लिखा लिखा है, अधाई लीनी थक की आके सबके फोटो कापी लेके लग गए है अपना से बताई सबके,
यहाँ मरही है सब सयान सयान पैसा सब लालच कह देते हैं हम यह देव हदौआ देव आए कब नहीं दी हम आज बुखार है आज 10 दिन से उपवास करी थी आधे जने का गल्ला दे आधे जने का न मिली। ये खेल मैदान को लेकर अभी कभी चर्चा कर रहे थे खेल मैदान अभी क्या इस गांव में आप आए थे हाँ। वो उमरिया नदी के पास पावर हाउस के पास आपको दिखाया गया था कि एक खेल मैदान उसका टीएस 2017-18 में मनरेगा के तहत ही निकाला हुआ था जिसकी राशि लगभग ये आपके 1,87,000 के करीब टोटल राशि थी जिसमें पूरी राशि निकाली जा चुकी है लेकिन आप देखे होंगे कि खेल का मैदान कैसा है उसमें केवल 2 घंटे की तस्वीरें भी आप देख पा रहे होंगे इस खेल मैदान की क्लिपियां चल रही है स्क्रीन पर हाँ बताएं फिर हाँ, मौके पर उसमें केवल जेसीबी भर चली थी 2 घंटे बाकी उसमें ना कोई ईंट का वो सीमा बनी है सीमा नहीं बनी है ना ही उसमें तारबाड़ी कुछ ऐसा नहीं उसमें पता चलता कि उसमें खेल का मैदान है। क्या कह रहे हैं सर आप? हम भी ये बोल रहे हैं कि आप चलिए थोड़ा वहाँ तक तो हम आपको खेल का मैदान दिखाएंगे कि कितना काम हुआ है वहाँ का। क्या पोजीशन है यहाँ तो देख ही रहे हैं यहाँ तो क्या बताएं साहब कुछ कह नहीं सकते ये निर्मल पंचायत है निर्मल पंचायत है विकास कुछ नहीं है शौचालय वगैरह सब नहीं नहीं घर में नहीं है कोई झाड़े सब हमको परेशान कर हगे देता ऊपर क्या बताए आपको ये सब हमारे घर के प्लाट के है ये महेश कॉल के यहाँ से हम ऊपर सीसी थी वो आरसीसी का पैसा निकाला गया था इसके बाद हमारे यहाँ एक शिकायत की भर दिए गए है एक नाली का पैसा निकाला गया था यहाँ बहुत सारे भ्रष्टाचार है पैसा निकल गया है यहाँ से साहब पूरा टुआल लेटरिन बनी है कागज में कोई घर में नहीं बनी राष्ट्रपति पुरस्कृत पंचायत है प्रतिभा पाटिल जी जब थी अच्छा तब ये पुरस्कृत हुई थी निर्मल ग्राम पंचायत। तो चलिए जरा ये तस्वीरें इस गांव की अगर ऐसी है तो लगभग पूरे मध्य प्रदेश में कैसी होगी चलिए जनता की बात में यहीं तक बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद।